ही अच्छा लग रहा है. ये तो आई थिंक बैकबोन ऑफ श्रीशांत एंड भुवनेश्वरी ऑल्सो. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड द कंप्लीट टीम. तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है. और अभी तो सिर्फ नस्तीक आसपास लोग आए और बहुत श्रीफाम इतना नहीं है, बहुत बहुत ही बड़ा है. तो हर सिटी में बहुत बहुत लोग हैं. तो भगवान कृपा है, एक साइड था क्रिकेटर, एक साइड था बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी. बट अभी मूवी का भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. सारे इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी टू मेक मी इंट्रोड्यूस टू ऑल दिस पीपल. सो थैंक्स टू नैन जी ऑल्सो दैट कि उन्होंने भी बहुत एफर्ट करके यू नो जब से नैन जी आए आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग. आई डोंट कॉल देम फैंस, आई कॉल देम माई फैमिली. सो दैट इज वाई वी कॉल देम श्री फैम. एंड इट इज लाइक मीटिंग योर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली जिनसे आप इतने दिनों से चैट कर रहे थे. तो आई एम वेरी 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 डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी. एंड आई एम प्लानिंग टू डू दिस meeting in others like cities. Delhi maybe and other cities also jahan pe hum aur bhi logon se mil paaye, because inke support ke bina I don't think Shri would have gone so far. And in sab ka sari Shri fam ka itna hard work aur itna dedication aur itna sara pyar. So you know I was so touched. Aur jab Big Boss khatam hua I was crying. एक खुशी थी श्री के बाहर आने की, लेकिन एक दुख था कि अब इन लोगों के साथ कैसे जुड़ के रहा जाए. सो या बट दे आर फॉर लाइफ. मैं जब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन अभी भी हूँ, तब क्रिकेट खेलने से पहले भी जब का होता मैं भी बहुत एक्सट्रीम होता था. मगर मैं बोलूँगा उतना एक्सट्रीम मत जाओ. यू नो आपका आपका भी मम्मा पापा है, आपका भी एक लाइफ है. वर्शिप करना और यू नो किसी को मोटिवेट करना एक तरफ से, इंस्पायर करना एक तरफ से, बट ऐसे मत करना क्योंकि यू नो यू गॉट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड. सो अगर आपकी हेल्थ की ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरा फ़ैन बन के भी क्या फ़ायदा. तो मैं बोलूँगा सबसे पहले अपना फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, उसके बाद आता हूँ मैं. तो आई थिंक श्री फैम में यही एक स्पेशलिटी है कि फैमिली जैसा ही. और ऐसा नहीं कि मैंने कल एक इंटरव्यू में बोला था एक बनावट वाला फ़ैन या सिर्फ एक या दो सीज़न के लिए वाले फैंस नहीं है. सीज़न नहीं है, हम चारों सीज़न में मिलते रहेंगे, हर सालों साल मिलते रहेंगे. भगवान का शुक्र है क्रिकेट खेलते वक्त भी बहुत सारे लोग थे. अभी तो एक बिग बॉस की तरफ से जब बिग बॉस आया तो श्री फैम इतना स्ट्रॉन्ग हुआ. तो श्रीशांत फैन एसोसिएशन भी अभी श्री फैम और श्रीशांत फैन एसोसिएशन मिलेंगे तो फिर जय माता दी बहुत कुछ होने वाला है. तो आगे देखेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग. तो आई एम श्योर I'll keep myself fit and strong, and when this support keeps coming, I'm sure बहुत आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं. मेरा सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म जिधर मैं हूँ अभी फ़िलहाल, मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है टी कैफे. क्योंकि इधर टी विला क्योंकि मैं इधर खड़ा हूँ और इधर बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर था, क्रिकेटर रहेंगे. सिर्फ क्रिकेट के कारण ही मैं कहीं भी पहुँच पाया. सिर्फ का क्रिकेटर नहीं होते तो शायद इतना अटेंशन नहीं मिलते. और अगर राजनीति भी देखे, अगर मूवी भी देखे, भगवान कृपा है पूजा दी की बहुत यू नो योगदान है. क्योंकि अगर पूजा दी ने मुझे कैबरे मूवी ऑफर नहीं किया होता 2014 में, शायद मैं वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता था. और झलक दिखला जो कलर्स और एंडरबॉल ने जो उस वक्त पर जो मुझे ऑफ़र किया था वो मेरे लिए ना सिर्फ बाहर आने के लिए फाइनेंशियली भी बहुत हेल्पफुल था. यू नो सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर जो भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे राजनीति हो, या मूवीज़ हो, टीवी हो. आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल. और मेरे पापा से मैंने यही सीखा है कि अगर कुछ करना है तो दिल से करो और पूरी शिद्दत के साथ करो. और आई एम श्योर आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ माई लवली वाइफ एंड माई लवली एंजल्स. क्योंकि अगर शायद कई जन्म पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए मेरे मम्मा पापा ने नैन जी जैसे एक लड़की से मेरी शादी भी करवाई. तो आई एम श्योर तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो वॉट एवर डिसीजन आई हैड्स ऑफ टू हर दैट शी स्टूड बाय मी. इवन शी फेल इन लव विद श्रीशांत. सो लकीली शी डिडंट फॉल इन लव विद दैट क्रिकेटर श्रीशांत. सो
शी गेव मी परमिशन, जो भी करना है आप कर सकते हो. तो थैंक यू नैन जी. अगर नैन जी अगर झलक मना करता तो नहीं कर पाता, कैबरे मना करता तो नहीं कर पाता. तो हर मोड पे मेरे मामा पापा और मेरी फुल फैमिली इन नैन जी हैज़ बीन अ बिग 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 सपोर्ट. सो इवन सानू सानवी को ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू एक्ट नाउ. तो आई एम लविंग इट. प्लान्स अगर मैं अभी बोलूंगा तो सरप्राइज. आई मीन हमेशा नैन जी ने बोला है सरप्राइज, आप कभी सरप्राइज नहीं करते मुझे. कभी भी मैं सरप्राइज करता हूँ मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ फाइंड माई आईफोन. आईफोन कभी यूज आईफोन में जो फाइंड माई आईफोन है, मैं सरप्राइज जब शूट के बीच में कोची फ्लाइट पकड़ के जाता हूँ, स्विच ऑफ करता हूँ तो पकड़ लेता है कि ओ आप कुछ आ गए. तो सरप्राइज बहुत कम कर पाया हूँ मैं. तो इस बार 14 को आप अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी से शुरू करेंगे. जैसे ये खत्म हो जाएंगे 14 को क्या करना है, 14 को क्या करना है, 14 को क्या करना है. तो 14 को शायद इन्होंने कुछ सरप्राइज रखे हैं, बट आई होप दैट सरप्राइज डजंट डिस्ट्रॉय माय सरप्राइज बिकॉज ऑल द टाइम शी सरप्राइज मी. सो आई हैव नॉट टोल्ड हर, ऑब्वियसली इट्स अ सरप्राइज. सो यू ऑल विल गेट टू नो, श्री फैम विल श्योरली गेट टू नो. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक्स टू द सोशल साइट्स एंड थैंक्स टू ऑल द मीडिया, क्योंकि एक मीडिया होते थे स्पोर्ट्स मीडिया, एक अभी पूरी एंटरटेनमेंट मीडिया है. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट वॉट एवर डिसीजन वी मेक एंड पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट इट. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बहन की शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि बहन ने बहुत अच्छा एक हेडिंग वगैरह लिख के बैलून से सजा के और बहुत ही अच्छा मटन कीमा वगैरह अपने हाथों से बनाया था. तो बहुत अच्छा लगा. इनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इनकी जो फेवरेट है पोनी यूनिकॉर्न एंड ऑल दैट. सो बहुत अच्छा लगा. और ओके सॉरी पोनी पोनी. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो भी बाहर हो रहा है, यू नो मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि एक रिश्ता बनता है बॉन्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट टू कीप ऑन मूविंग ऑन, क्योंकि वो अभी बिजी होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में. तो यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर आई एम डूइंग माई वेरी बेस्ट प्रोटेक्ट माई फैमिली. सो आई एम श्योर शी इज़ वेरी बिजी, और बहुत जल्दी शायद उनका नए नए शोज वगैरह आएंगे, कलर्स और एंडोमॉल जो भी है. तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. आपके बहुत सारे फैंस ये भी चाहते हैं कि आपका क्रिकेट में भी कमबैक हो, वर्ल्ड कप में आने की भी बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? गॉड्स ग्रेस जय माता दी. अगर ऐसा मोस्टली जनवरी फरवरी में होना चाहिए, अगर अच्छा रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली द बैक इट टेक्स द बैक सीट. मगर एंटरटेनमेंट नहीं छोड़ूंगा, क्रिकेट भी एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट सारे चैनल आना चाहिए. तो शोज हो जो भी हो, मोस्टली मैं वर्ल्ड कप के लिए गाना भी प्रिपेयर कर रहा हूँ आदि के साथ, आदित्य नारायण के साथ. हमने ऐसे ही बात किया है तो आदि सॉरी अगेन मैं इधर भी बोल दिया, क्योंकि मेरा कुछ एक्सेप्ट हर सरप्राइज आई डोंट थिंक एनीथिंग आई कैन हाइड, क्योंकि आई डोंट रियली हाइड थिंग्स. सो वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा गाना भी प्रिपेयर कर रहा हूँ हम लोग. होपफुली दैट विल बी अ ह्यूज हिट. श्री फैम इज देयर, आई एम श्योर दैट विल बी अ ह्यूज हिट. तो आप सबकी यू नो सपोर्ट होंगे तो होपफुली, आई डोंट नो व्हेदर इट्स गोना बी द ऑफिशियल सॉन्ग, बट वी विल मेक इट ऑफिशियल. रिगार्डिंग योर फैन, सॉरी, आपके एक डाई हार्ड फैन ने दीपिका के लिए ये भी कमेंट किया था कि मतलब यू नो बिकॉज दे वर वेरी अपसेट दैट यू डिड नॉट विन एंड दे वर नॉट हैप्पी विद दैट. सो ये भी एक उनको थ्रेट एसिड थ्रेट मिला है, तो उसके ऊपर आप लोग पता हाउ कैन यू से दिस. मैं बोलता हूं, मैं सिर्फ ट्विटर पे आया था दैट वन, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैंने इसके बारे में कल पिंग विला जो भी इंटरव्यू में मैं बोला था, इंडिया रश में बोला था, हिंदी रश. वाओ Nice. तो मैंने यही बोला था कि सोशल साइट ऐसा है कि कोई भी फेक अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है. तो डिपेंड करते हैं, वो तीन लाइन डिपेंड्स होते हैं ब्रेवरी एंड फुलिशनेस में, सिर्फ एक तीन लाइन होते हैं. और अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, आपके दूसरा बना के बोल सकते हैं मेरा फेक अकाउंट है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा है. तो आई डोंट बिलीव दैट इट इज़ डन बाई श्री फैम. अगर किसी ने किया है तो उस किसी का भी फैन हो सकता है. श्री फैम ऐसे हरकतें कभी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सिर्फ
हमारे लिए करेंगे और अपनी फैमिली के लिए करेंगे, किसी और के ऊपर नहीं करेंगे। यस, बातचीत लड़ाई झगड़ा तब हो गए, मगर मेरे को नहीं लगता कि श्रीफा में ऐसे हरकत करेंगे। एक अगर किसी ने भी किया है उनको सिर्फ उनको पता है। कल भी मैंने कोई इंटरव्यू देख रहा था तो किसी ने मुझे लिंक भेजा और बहुत कम ऐसे हो, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में अपने बिग बॉस भी नहीं देख पाया मैंने, तो वी डोंट हैव टाइम टच वुड, आई एम बीन बिजी। सो व्हाट्सएप में किसी ने लिंक भेजा था कि कोई बोल रहे थे कि यू नो कुछ भी होंगे हम देखे जाएंगे वो सब। आई ऑल आई वांट टू से इज लेट्स मूव ऑन। आई डोंट थिंक दैट इज डन बाय श्रीफाम। श्रीफाम विल नेवर डू थिंग्स लाइक दैट। आई रेस्पेक्ट माई फैमिली, माई फैमिली इज श्रीफाम, सो आई बिलीव इन दैम। एंड वन थिंग आई कैन प्राउडली से इज दैट वी आर देयर टू लव ईच अदर एंड एनकरेज ईच अदर, नॉट टू डिस्ट्रॉय एनीबडी। If you come and attack us, all the best to you. Shree, aapke bahut sare fan clubs hain, bahut sare, but Shree fan, I think, biggest fan club, abhi tak till date. Kya bolna chahiye aapke sare fans yahan pe, they are excited. मेरे से ज़्यादा नैन जी बोलेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि जब वर्ल्ड कप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे फैंस बनाए, मगर मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद या फिर शो में आने के बाद जब श्रीशांत को वो लोग पहचानेंगे। तो श्रीशांत को सिर्फ मेरे मम्मा पापा, मेरी फैमिली, माई डियर वंस, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स पहचाना था, और सबसे ज़्यादा शायद नैन जी ने पहचाना। मगर अभी मुझे बहुत सारे लोग बिग बॉस के कारण जेन्यूनली पहचानते, और अभी कतरों के खिलाड़ी भी है, तो मे बी क्रिएटिव पीपल ने फनी साइड दिखाया नहीं, क्योंकि वो लोग डिसाइड करते क्या दिखाना है, तो कतरों में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो मुझे पता है जितना मैं जैसा हूँ, नैन जी को उत्तर देना चाहिए। Okay, नहीं नहीं इन, इनको क्या बोलना है बेसिकली अभी जो श्री के फैंस थे वो सारे थे तो क्रिकेट फैंस या फिर डांस के फैंस थे, लेकिन जो श्री फैम है दे लव श्री फॉर द पर्सन दैट श्रीशांत इज एज अ ह्यूमन बीइंग। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी। आपको आपके काम से ज़्यादा, काम के लिए भी प्यार किया जाए, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो खुद हो, उसके लिए प्यार किया जाए। तो आई थिंक श्री फैम हैज़ यू नो श्री फैम बना है श्रीशांत को प्यार करने के लिए फॉर द पर्सन दैट ही इज। सो आई थिंक दैट दैट स्पीक्स अ लॉट। अब तक की सबसे बड़ी जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी जीत वर्ल्ड कप 1983 है, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप जीतना मतलब सबसे बड़ी जीत होती है। अगर वो नहीं जीता तो हम सचिन पाजी से लेके जो भी है कपिल देव पाजी ने अचीव किया है वो उसका हैट्स ऑफ है, कंपेयर नहीं कर सकता। हर कोई मैच, हर कोई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बहुत बड़ी बात है, और विराट और पूरी टीम को मैं दिल से यू नो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन, क्योंकि एज ए क्रिकेट फैन अगर जैसे मैंने इनको बोला अभी, अगर मैं जो भी हूँ क्रिकेट की वजह से और क्रिकेट के कारण हूँ, और मुझे लगता है कि जो इंडियन टीम अभी का है वो कोई भी टीम को हरा सकता है। प्लस अभी जो 15 में जो नहीं और एक और 15 टीम लेके आए, तो 30 मेंबर का टीम भी बने, जो 15-15 अगर दो टीम भी बन के खेले तो मुझे लग रहा है हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे कहीं भी कभी भी। So I am sure, I am so happy that cricket is, because the facilities the amount of support everybody gets, it's amazing. So I wish the Indian cricket team to win the World Cup. Abhi ek baki hai, third World Cup, 50 over, and I am sure India will win 2019 World Cup. I wish them all the very best. लेकिन मैंने रोमिल को कुछ नहीं बोला, क्या बोला रोमिल को? रोमिल को तो कुछ नहीं बोला। नहीं कभी भी नहीं, थैंक यू। माय फादर इन लॉ एक सिल्वर का स्वॉर्ड दिया, क्योंकि उनका शिकावत का एक संस्कार है, वो शायद मेरे ऊपर यूज करेंगे, इसीलिए नहीं दूंगा कहीं। नैन जी बॉस, मैं 3-3.5 महीने नैन जी रुक पाया, मगर मैं नहीं रुक पाऊंगा विदाउट हर। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन, व्हेन यू सी खतरों का खिलाड़ी यू विल गेट टू नो व्हाई व्हाट इज हैपनिंग। सो आई कांट से, सो वन ऑफ द रीजन इज हर, बिकॉज आई हैड टू कम बैक टू इंडिया। सो या शी विल नेवर ever do Big Boss, but guys, you also so-called superb celebrities out there, please do it.
I think it's one of the shows we... Yeah, it's a very nice show. It's a brilliant show. I cannot do it because I cannot leave my kids for 3.5 months. And I know if I enter, I'm going to be there till the end. So yeah, I can't do it. We have your fans who have got certain things for you. Say they want to give you your fans, send them one by one. Yeah, yeah, please. Okay, guys, please move ahead. So say thank you. Give flying kiss to them, Sanu, please. Sanu, can you give me flying kiss? Give flying kiss to them. Sanu. Sanu. See these people. Say thank you. Thank you. Show your watch. Oh, she got a gift. No. It's matching with her outfit also. Okay. White and white words, see? I will not show them. Okay. I will not show them. That. It's a surprise. I don't like this watch. Whoever is ready, please come. So that is fine. It says winner of many hearts, so thank you, yeah. Thank you very much. Okay, this is for you. This is for you. Sanu got the trophy. You need to look here. Smile, you have to smile. She look here. See, Sanu. See, please hold me. Sanu. Yeah. Thank you. Sub. Center look here. सबको बताना चाहता हूँ श्री फैमिली सबसे बिगेस्ट फैन हमें बिग बॉस की हिस्ट्री का और ये सब जितने भी ट्विटर पे जब भी जितने भी फैंस हैं ना सब ओरिजिनल आईडी से है कोई भी फेक नहीं है और सबसे बड़ा बिग बॉस में जाके करोड़ों लोगों का दिल जीतना था ये हमारे श्री भाई ने दिल जीता है इससे बड़े हमारे लिए कुछ नहीं थैंक यू श्री भाई See, Paya is coming. So you will be seen now. Okay? See, hold this. Hold this. Yeah, Vishnu, thank you. Oh. Thank you. Wow. See, hi to everybody. Where is this? This is gone. Oh, Nanji. Sanu, I'm giving. Come, Sanu, hold it. That was me. Yes. No. And. Thank you.
Come, we take the trophy.